आप तो अपनी गाड़ी लेके आए, ट्रेन की तो चिंता है नहीं, नहीं। उधर आने के लिए उधर आने के लिए हमको टाइम नहीं है ना। आपको टाइम नहीं है? जैसे 11 बजे होता है उधर, उधर 11 बजे होता है, हम कैसे पहुंच जाएंगे? हमको नहीं जाना है क्या? हाँ जाना तो है, फिर आपको टाइम नहीं, हमको टाइम है, ऐसे कैसे? नहीं बाबा, आपको भी रात को ट्रेन मिलती है, मैं उधर जाने के बाद उधर आना चाहिए। कहाँ जाने के बाद? और गुरुवायारू गुरुवायारू वहाँ क्यों जाओगे? उधर से डायरेक्ट गाड़ी नहीं आओ। किधर से? उधर से ताली परम वासी गाड़ी नहीं है? ताली परम को गाड़ी नहीं है, कोचिंग से आना चाहिए। मना, आप गाड़ी लेकर के, फोर व्हीलर लेकर के ताली परम्बा जाने में कठिनाई है, ये कहो। गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं या जो ड्राइवर आया है गाड़ी चला के वो वापस चला जाए? आप जाना चाहें तो ट्रेन से जा सकते हैं। हाँ, और लेकिन बाबा कहते हैं कम खर्च वाराणसी है, तो फालतू खर्चा क्यों करना? और अरे बुद्धि में कोई घन चक्कर चलता हो, निकाल के बाहर कर। मनोबुद्धि एकाग्र रखना है, एक आग्र माने एक के आगे रखना है, बहुतों के आगे क्यों रखना? कर्मातीत अवस्था जल्दी बन जाएगी, कुमार नहीं कर सकते है? बाबा ने तो कहा कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, अधर कुमार नहीं कर सकते, अधर कुमारियां नहीं कर सकती, कुमारियां नहीं कर सकती, लेकिन चाहें तो कुमार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर्मातीत अवस्था, कुमार चाहे तो कर सकते हैं, बुद्धि के एकाग्र कर सकते हैं, एक के आगे रख सकते हैं। जबकि पता लग गया कि और तो सब भटकाने वाले हैं, औरों के आगे बुद्धि रखेंगे, औरों का संग करेंगे बुद्धि से, तो भटकेंगे या ठिकाने पहुंचेंगे? भटक जाएंगे। तो बाबा के आगे बुद्धि रखेंगे तो बाबा तो ठिकाने ही लगाएगा। भटकने की तो बात ही नहीं। अरे बोलो, अपनी भाषा में बोल दो, फिर कोई अनुवाद कर देगा। बाबा, हाँ, ये संगम के समय में एक आत्मा चाहते हैं तो है? एक आत्मा चाहते हैं तो, चाहते हैं तो इसका रोल चेंज करना सकते हैं क्या? किसका रोल चेंज कर सकते हैं? वो आत्मा का, वो आत्मा अपना रोल चेंज कर सकती है, थोड़ा भी चेंज करना। क्या चेंज करेगी? उसे मालूम है वो चेंज करेगी, जो नहीं मालूम है वो चेंज करेगी? वो नहीं, हाँ, जो मालूम है उसे चेंज करना है या जो मालूम ही नहीं है उसे चेंज करना है? वो मालूम है क्या, वो चेंज करना है? जो मालूम है उसे चेंज करना है, मालूम तो बहुत थोड़ा सा है, इस आखिरी जन्म का थोड़ा सा हमें पता चला है, अभी ढेर सारा आगे पड़ा हुआ है उसका तो पता ही नहीं। ये रोल भी उधर ढूंढ रही है, ये रोल, हाँ, ये रोल हम खराब क्यों समझते हैं? जो हुआ, जो हुआ वो अच्छा हुआ या खराब हुआ?
तो भगवान मिल गया, और फिर उसे चेंज करना चाहते नहीं। क्यों चेंज करना चाहते? अरे संगम युग में तुम आए और दूसरा तो कोई आए नहीं। आपकी लॉटरी लगी है और होगी तो लॉटरी, इसे क्यों चेंज करना चाहते? हमारे साथ मिलजुल करने के हैं, हमारे साथ मिलजुल करने आते आदमियों का। हाँ, जो हुआ सब अच्छा हुआ इस जन्म में, बहुत कल्याणकारी हुआ। अगर ये न हुआ होता तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। ऐसा ही होता है, है? वो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए एवरीथिंग। हाँ जी, हर कल्प के अंत में, अंतिम जन्म में जैसा हमारे साथ घटित हुआ है, जैसा ड्रामा हमारा बना है, ऐसा ही बनना हमारा बहुत कल्याणकारी है। फिर उसमें चेंज करने के लिए कोई रास्ता? जब कल्याणकारी तो क्यों चेंज करना चाहेंगे? हैं? सब कल्याणकारी है, जो हुआ वो बहुत कल्याणकारी है। अज्ञान न होने की वजह से हम ऐसा समझते हैं, ऐसा न होता तो अच्छा होता। लेकिन आगे चल करके पता चलेगा कि यही होना चाहिए था हमारे साथ, नहीं तो हम सुधरने वाले नहीं थे। और சங்கர் அப்படின்னா வந்து மூன்று மூர்த்திகள் சொல்றாங்க, பிரம்மா விஷ்ணு சிவன், மூணு மூர்த்திகள் இருக்குதுங்க. பாபா பாணி படிக்கிறது பாபா விளக்க சொல்லும்போது அந்த மூன்று மூர்த்திகளுடைய பாத்து என்னவா இருக்குங்க? அந்த பாபா வந்து வாணி படிச்சு விளக்க சொல்லும்போது ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கு ஏதாவது பார்த்துருக்காங்க. ஒரு தீன் மூர்த்தி மேலே சூனிதா டைம் तीन मूर्ति का अलग अलग पार्ट होती है ना? हाँ, उसका क्या कारण होता है? उसका कारण क्या एक मूर्ति के द्वारा तुम्हारी टेक्स्ट बुक आती है, ब्रह्मा के द्वारा तुम्हारी टेक्स्ट बुक आती है, बिना टेक्स्ट बुक के पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे? तो ये कारण है, कारण बना ना। अरे मुरली हमारी टेक्स्ट बुक है कि नहीं? मुरली और अव्यक्तवाणी हमारी टेक्स्ट बुक है, प्रोज और पोएट्री है, तो किसके द्वारा आती है? हाँ, कौन सी मूर्ति के द्वारा आती है? ब्रह्मा के द्वारा आती है। फिर दूसरा पार्ट है, फिर दूसरी मूर्ति कौन? अरे शंकर, शंकर की मूर्ति जो है उसके द्वारा टीचर और बाप और सदगुरु, तीनों ही पार्ट हमारे सामने आ जाते। तो वो तो क्लियर है, बाप है तो बाप क्या करता है? बाप पहले पहले क्या करता है? बीजारोपण करता है, बच्चे को जन्म देता है, बच्चे को वर्षा देता है, तो आत्मा का बीज हमारे अंदर किसने बोया है? बाप ने बोया। कहेंगे नहीं, ब्रह्मा के द्वारा जो टेक्स्ट बुक आई उसी में बताया गया है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। लेकिन वो तो सभी हैं, इसमें क्या खास बात हुई कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं? असली बात तो तब पता चले कि मैं कौन सी आत्मा हूं,
किस कैटेगरी की आत्मा हूं। इस रंगमंच पर, सृष्टि रूपी रंगमंच पर, किस देश विशेष, किस स्थान विशेष में मुझे पार्ट बजाना है, कितने जन्म लेने वाली मैं आत्मा हूं, ये खास खास बातें पता चलनी चाहिए ना। तो पता चली या नहीं चली? कौन से धर्म विशेष में मुझे पार्ट बजाना है? मैं किस कैटेगरी की आत्मा हूं? तब कहेंगे कि आत्मा को परिचय हुआ अपना, आत्मा का जन्म हुआ। तो आत्मा का जन्म हुआ या नहीं हुआ अभी? है? नहीं हुआ है? अरे आत्मा का पता चला या नहीं चला? बिंदु आत्मा हूं ये कोई परिचय नहीं हुआ। असली परिचय क्या है? मैं बिंदु आत्मा किस धर्म विशेष में पार्ट बजाने वाली हूं, किस देश विशेष में पार्ट बजाने वाला हूं, मेरी आत्मा का जन्म जन्मांतर का सुख का वर्षा देने वाला बाप कौन है? इब्राहिम है, बुद्ध है, क्राइस्ट है, गुरु नानक है, कौन है? तो स्पेशलिटी का पता चला ना। तो बाप ने आत्मा को जन्म दे दिया। अब रही वर्षे की बात, तो ज्ञान के आधार पर वर्षे की प्रत्यक्षता हो जाएगी। जितना हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, तो हमें अपने वर्षे का, अपनी कुर्सी का, अपने पद का प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाप का वर्षा भी हो गया, पढ़ाई पढ़ ही रहे हैं, वो टीचर के रूप में मुरली को और व्यक्तवाणी को क्लैरिफाई कर ही रहा है, तो टीचर का रूप हो गया। फिर तीसरा रूप है, पहला रूप स्थापना का, दूसरा रूप पुरानी दुनिया के विनाश का, बना पुराना जन्म हमारा खलास, बुद्धि में से निकल गया, जो बीती सो बीत गई, उसको याद करने से कोई फायदा नहीं। याद आता है? अभी तो पूछ रहे थे ये खत्म होगा कि नहीं होगा। अरे वो तो वैसे ही खत्म हो गया। तो जो बीत गया उसको याद क्या करना, माने विनाश हो गया, हमारा पूर्व जन्म का विनाश हो गया। पूर्व जन्म जिस परिवार में था वो भी सब खलास, हम तो आत्मा आत्मा भाई भाई हो गए, भगवान बाप के बच्चे बन गए। पाप भस्म हो रहे हैं, पुराने जन्म के सारे पाप भस्म हो जाएंगे। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, पुराने संस्कारों का हम विनाश कर रहे हैं, पुराने रीति रसम रिवाज सब हमने त्याग दिए, नाश कर दिए या चलाए रहे हैं, हाँ? सब खलास कर दिए। तो दूसरी मूर्ति विनाशकारी है। अब आ गई तीसरी मूर्ति, कौन सी? विष्णु। विषय विकार खलास, नो विषय ताल, विष्णु। बुद्धि शुद्ध हो जाए, बुद्धि में गंदे संकल्प आना बंद हो जाए,
हम कहेंगे अभी तो और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि बंद हो रहे हैं, हैं? तो समझना चाहिए कि दीपक जब बुझने वाला होता है तो जोर से भभूका लेता है या धीरे से बंद हो जाता है? जोर से भभूका लेता है। तो ये जो अति हो रही है ये अब अंत की निशानी है, घबराहट की बात नहीं है। जब आखिरी युद्ध होता है तो घोर घमासान युद्ध होता है, उसको घबराना नहीं है। अब हमारा नई दुनिया का राज्य आने वाला है। वैष्णो देवी आई और सब खेल खलास, सारा ड्रामाबाजी खत्म, हमारे लिए नई दुनिया आ जाएगी, दुनिया के लिए हाहाकार शुरू हो जाएगा, हमारे लिए जय जयकार हो जाएगी। तो तीनों मूर्तियों की क्लियर तो है, पालना हमारी होगी या उनकी होगी? है हमारी पालना होगी विष्णु द्वारा। है விஷ்ணு பாட்டு வந்து நடக்க வேண்டிய சமயம் தானே, அதனுடைய ரகசியம் என்ன? வந்து விஷ்ணு பாட்டு இப்ப நடக்க வேண்டிய சமயம் தானே வந்திருக்கு, அதனுடைய ரகசியம் என்ன? விஷ்ணு பாட்டு நடந்துட்டு இருக்கா இல்ல எத்தீங்கிற சொல்றாரு? தீமூர்த்தி காலகாலம் பாட்டு வந்தீங்கன்னா சின்ன பிரம்மா கா பாட்டு வரையா, சங்கர் கா பாட்டு வரையா, अभी विष्णु का पाठ अभी कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? ब्रह्मा का माँ का पाठ नहीं है और शंकर का जगत पिता का पाठ नहीं है, है या नहीं? अभी जगत पिता है तो जगत में अच्छे बुरे दोनों हैं या अच्छे ही अच्छे हैं, बुरे ही बुरे हैं? हैं? दोनों हैं। तो माँ और बाप संपन्न बनेंगे कि ऐसे ही रह जाएंगे? संपन्न बनेंगे। जब संपन्न बनेंगे तो विषय विकार इनमें रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो हमारी पालना अच्छी होगी या खराब होगी? अच्छी पालना होगी, और क्या चाहिए? உலகத்துல வந்து தீய சக்தின்னு சொல்றது செயல்படுறாங்க, அது வந்து கடவுளுடைய படைப்புல தீய சக்தின்னு தனியா இருக்குமா? அதாவது நாங்க வந்து ஆட்டை ஓட்டுறாங்க, நாங்க கேரளா போய் ஏதோ சாத்தான் வந்துட்டு அங்க போய் ஏதோ வாங்கிட்டு வந்து ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி அவங்க சில பேர் ஆட்டோக்காரங்க வந்து நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க பணம், அப்ப அப்படி ஒரு தீய சக்தின்னு ஒண்ணு இருக்குங்களா? बाबा इधर आने के बाद वो खराब शक्ति होती है ना, वो खराब शक्ति कैसे काम करती? खराब खराब शक्ति अभी भगवान का दो शक्ति है, भगवान की दो शक्ति है। भगवान को ज्ञान में कौन सा शक्ति आती है? अच्छी शक्ति आती है। भगवान को ज्ञान में भगवान को आती है कि भगवान से आती है? भगवान से आती है, वो बहुत पूछते है भाई। भगवान से ज्ञान का बल आता है? अरे अच्छा शक्ति दे ज्ञान मिलेगा, लेकिन कोई मंत्रवादी करने वाली वो कहती है ना, मंत्र करने वाला, मंत्रवादी मंत्र करने वाला वो तो रावण संप्रदाय है। वो कैसे आते हैं? वो गौर बोल, वो कैसे आते हैं? देवान से आते हैं, अपने को देह समझा। भगवान को सृष्टि में वो दो रंगा होती है ना, भगवान की सृष्टि और भगवान की सृष्टि जो है वो रावण संप्रदाय सृष्टि भगवान की सृष्टि नहीं है, वो रावण की सृष्टि है।
भगवान की सृष्टि तो देवता ही सृष्टि है। वो देवता ही आकर के देह अभिमानी असुर बन जाते हैं। वो रावण की शक्ति कहेंगे। भगवान की शक्ति माने आत्मा अभिमानी शक्ति। भगवान तो है ही आत्मा, देह का नाम निशान नहीं है। मिट्टी है ही नहीं, वो तो सदैव ही आत्मा है, सदैव ही स्वस्थिति में स्थित है। स्वा से ही बनता है स्वर्ग। ये भाई पूछते हैं, तो भाई पूछते हैं, अधर्म करने वाला बहुत ठीक होता है? अधर्म करने वाला बहुत ठीक होता है? अभी बहुत ठीक होता है, ठीक ठीक होता है, अभी ठीक माने अच्छा होता है, अच्छा होता है। भगवान का शक्ति वाला से भी कितना बहुत कष्ट होता है ना उन लोगों को, इसका कारण क्या है? पाप कर्म नहीं किए हैं भगवान के बच्चों ने? दूध के धोए हैं, ज्यादा पाप किसने किए हैं? और क्रिश्चियंस ने किए हैं या हमने किए हैं राजा बन के? भगवान के बच्चों ने ज्यादा पाप किए। भगवान के बच्चों को ज्यादा दंड मिलना चाहिए या उनको ज्यादा दंड मिलना चाहिए? பாபா என்ன சொல்லியிருக்காரு கேட்டாக்கா, ஞான சம்பந்தமான கேள்வி மட்டும்தான் கேட்கணும், புரியுதா? நீங்க வெளி உள்ள விஷயங்கள்லாம் நீங்க கேட்கக்கூடாது. எந்த விஷயம் கேட்கறதா இருந்தாலும் பாபா என்ன ஞானம் சொல்லியிருக்காரு அந்த ஞான சம்பந்தமான கேள்வி தான் கேட்கணும். இவங்க வெளி உள்ளதுல 1000 டவுட் இருக்கலாம், அதெல்லாம் இங்க போகக்கூடாது. நீங்க ஞானத்துல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க, அதுக்கு பாபா கிட்ட இருந்து சரியான ஆன்சர் இருக்கு. கை சுடாத்மா, ஜீ சுடாத்மா, புத்தி சுடாத்மா, நாலேஜ் தான், ஆனா சத்தியம் திரைய நேரத்துக்கு வரது இல்லைங்க, டைரக்டா துவாபரிக்கு தான் கிரைஸ்டவர் மிஸ்ரி தர்மவாலாயினா சத்தியம் में आती भी नहीं, वो धर्म की इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, सब नॉलेजफुल है, उस नॉलेजफुल नहीं है, फुल कहाँ है? फुल है कि अधूरे है? हाँ थोड़े है, फुल क्यों कहते? थोड़े सत्य उत्तरता नहीं आएंगे, वो सत्य उत्तरता, सत्य उत्तरता में क्यों नहीं आते? वो नहीं आते इसलिए कि अपने बाप का जो असली बाप है आत्माओं का, उसको नहीं पहचानते। दे अभिमानी बाप क्राइस्ट को झट पहचान लेते हैं। அபி துனியா கே ஜோ கிறிஸ்டியன்ஸ் ஹே கொஞ்ச நாளா இருந்தாலும் சத்தியம் அது புரியலாம். அப்படி வர்றது சொல்லி 9 தர்மம் இருக்கு இல்லையா, எல்லா தர்மத்தின் பீஜம் இருக்கு இல்லையா, இதா வரும். அவங்க வெளியில இருக்கவங்க எல்லாம் வர முடியாது. यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं उनमें जो ओरिजिनल क्रिश्चियंस ज्यादा बैठे हुए हैं कि हिंदू ज्यादा बैठे हुए हैं, देवता धर्म भी यहाँ जो भी बैठे हुए हैं उनमें ओरिजिनल हिंदू ज्यादा बैठे हैं या क्रिश्चियंस ज्यादा बैठे हैं यहाँ? கிறிஸ்டியன் அதிகமா உட்கார்ந்து கோன் பேட்டே ஆத்மா ஆத்மா ஏக ஆத்மக்கு பேட்டே அகர் கோய் கிறிஸ்டியன் ஹே பி இஸ் ஜனம் கா तो भी उससे पहले वाले जन्म में जो पहले के जन्म हुए हैं उनमें कन्वर्ट हुआ था,
पहले असली हिंदू था, बाद में कन्वर्ट हुआ, तो असली हिंदू ही सब आ रहे हैं ना विज्ञान में, क्रिश्चियंस तो आ ही नहीं रहे, मुसलमान कोई इस ज्ञान में आ ही नहीं रहे, सिख धर्म वाले कोई इस ज्ञान में आ ही नहीं रहे। जो बाप के बच्चे हैं वो बाप की बात को समझ रहे हैं, जो बाप के बच्चे है ही नहीं उनको अकल में बैठती ही नहीं बात। उनका जब धर्म पिता निकलेगा क्या, तब उनकी समझ में आ जाएगा। तो सत्यगुण क्यों नहीं आते, उनका बाप ही नहीं आता तो वो कैसे आ जाएंगे। பாவுடைய படைப்பு வந்து ஞானத்துக்கு தான் தீய ஆவிகள்ன்றது உருவத்தில் இருக்கு. நல்ல கேள்வி சொல்லு. தீய ஆவிகள் நல்ல தீய ஆவிகள் சில மனிதர்கள் மூலமா கெட்டது பண்ணதுன்றாங்க. தீய ஆவிகள் நீ இவர் சொல்லுவீங்கன்னா இவர் சொல் பேசுறாத்தியா காம் காத்திய இருக்கிற காரணம் கே நல்ல காரியம் ஈவில் கியூ கேத்த दो कार्य करते हैं ना, वो भी अच्छी कार्य काम करती है थोड़ा खराब काम करती है। ईविल क्यों कहते हैं, ईविल इसलिए कहते हैं कि उन्होंने ईविल काम किए हैं पूर्व जन्मों में, ईविल काम करने के कारण वो ज्यादा पाप न करें इसलिए उनको ये स्थूल शरीर थोड़े समय के लिए नहीं मिलता। अगर उनको स्थूल शरीर ज्यादा समय तक मिलेगा तो और ज्यादा पाप करेंगे, ज्यादा वजन चढ़ जाएगा और ज्यादा दुखी हो जाएंगे, इसलिए थोड़े समय के लिए उनको बिना शरीर के रहना पड़ता है। ये ईविल आत्माएं जो होती है वो बहुत पाप कर्म करने वाली होती है, ये महापाप आत्माएं हैं, इसलिए दूसरे दूसरे धर्मों में क्रिश्चियंस में मुसलमानों में फरिश्ताओं को मानते हैं, सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ताओं को, देवताओं को नहीं मानते। ईविल सोल्स में भी कोई अच्छे कर्म करने वाली भी होती हैं थोड़े, खराब कर्म करने वालों के मुकाबले, ऐसे नहीं वो खराब कर्म करती ही नहीं है, करती तो है लेकिन उनके मुकाबले कम खराब कर्म करती है, इसलिए उनको फरिश्ता कहा जाता है। उन फरिश्तों को वो मानते हैं, मान्यता देते हैं, लेकिन वो कोई देवता नहीं है। ஈவில் சோலுக்கு வந்து உணவு கிடையாதுங்க, அப்ப அது வந்து ஏதாவது தண்டனை அனுபவிக்கும்போது அனுபவிக்காதுங்களா, ஈவில் ஈவிலா இருக்கும் போதுங்க? ஒரு ஈவில் சொல்லுக்கும் சரீர் நீ ஈவில் சரீர் ஓனே கே டைம் उसको दंड होता है ना, भटकता है, कैसे वो भी अनुभव करती है। ईविल सोल जो है उसको अपना शरीर नहीं है, लेकिन शरीर छोड़ते समय अगर उसकी इच्छा जलेबी खाने की रही तो भटकेगा इधर उधर, कोई शरीर मिले जिसके द्वारा हमें जलेबी खाने को मिले, शरीर ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा मुरली में बताया है, ऐसे भी बताती दादियां कि गुलजार दादी को बहुत चाहते थे, गुलजार दादी बहुत छोटी थी लेकिन बहुत सुंदर थी, ब्राह्मण परिवार में ही जन्म लिया, ब्राह्मण परिवार में ही पली
और बाबा उसको अपने पास बुलाना चाहते थे और वो भाग जाती थी। मरते दम तक बाबा उसे बुलाते रहे और वो भागती रही, बाबा के नजदीक नहीं आई। बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो फिर क्या किया, उसी में प्रवेश कर गए। இப்ப வந்து நம்ம சங்கம் யுகத்துல வந்து நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த ஞானம், சங்கம் யுகத்துல எடுத்துக்கூடிய பிராப்தி வந்து முழு கல்பம் வரும்னு சொல்றாரு பாபா. முழு கல்பத்துக்கு அதனுடைய ஆஸ்தி வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. ஆனா வந்து ஒரு பாபா ஒரு மாநில சொல்லிக்கிறாரு, அதாவது நம்ம பாரத பூமியில வந்து அந்த ராஜா குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவில் வந்து போருக்கு போகும்போது வந்துங்க, சப்போஸ் வந்து ராஜா தோத்துவார் அப்படின்னா அந்த ராணி குவாலிட்டியை வந்து தன்னோட உயிரை விட்டுறத சொல்லிக்கிறாருங்க. அந்த பவித்திர சக்தியான ராணிகள் வந்து உயிர் விட்டுறா சொல்றாங்க. அப்போ கஷ்டப்பட்டு உயிர் விடுறதுங்கிறது வந்து ஒரு விதத்துல தண்டனை தானே. ஆனா பாபா வந்து இந்த சங்கமயத்துல எடுத்துக்கூடியது கல்பம் போற வரும்னு சொல்றாரு. அப்ப என்ன காரணங்க, அவங்க உயிர் விடுறது வந்து அது சரியானா இல்ல எப்படி கேட்டாங்க? புஷப் கரணே வாலக்கும் லாஸ்ட் தக் இஸ்கா பிராப்தி வரும். நீ தோ உன்கே பாஸ் ராணி ஆதி ஹே நா, रानी किसके पास? राजा का पास। राजा के पास से हाँ। वो रानी राजा शरीर छोड़ते, वो रानी भी शरीर छोड़ता है। हाँ, वो भी अच्छी काम नहीं है ना, वो भी दंड होते है ना, दंड होते है ना उसको, दंड शरीर छोड़ना दंड है वो तो है। वो भी कैसे बाबा मुरली में ऐसा नहीं बोला क्या? मुरली में बोला लास्ट तक आपको प्राप्ति होता है। क्या लास्ट तक प्राप्ति होता है? वो ज्ञान का प्राप्ति। वो 21 जन्म की प्राप्ति पूरी होती है बाप से। 21 जन्म के जो भी बाद जो प्राप्ति होती है वो तुम्हारे अपने कर्मों से होती है। लास्ट तक कहाँ बताया? इक्कीस जन्मों की पूरी प्राप्ति बाप से होती है। 21 जन्म के बाद हम रावण के प्रभाव में आने लगते हैं। கஷ்டப்பட்டு சரியா தேடுறோம். நம்ம சரீர தீய சக்திக்கு வந்து நம்ம அட்டாக் பண்ணுறாங்க, அதை எதிர்த்து நம்ம எப்படி செயல்படணும்? அதாவது வந்து எத்தனையோ எதிர்ப்பு தீய சக்திக்காரங்க வந்து வந்து ஏதாவது ரூபத்தில் வந்து மடக்குறாங்க. நாங்கள் மட்டும் முயற்சி பண்ணி ஸ்ட்ரீமெண்ட் பண்ணி நாங்கள் போயிட்டு இருக்கும்போது அப்புறம் ஒரு நாள் தவுண்டு போயிடும். अभी खराब शक्ति इनको भी बहुत खराब करती है, है? ये खराब शक्ति हाँ। वो यू सोलार जैसी शक्ति हो रही हाँ। वो भी इनको बहुत खराब करती है। इन्होंने उसको खराब किया होगा पूर्व जन्म में। इसको सामना करने के लिए क्या रास्ता? आत्म की स्थिति, उनको उनको आत्म की स्थिति नहीं बनती है, और तुम्हारी आत्म की स्थिति बन सकती है। पुरुषार्थ करो। उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है लेकिन आत्मिक स्थिति का उनको पता ही नहीं है। वो इतने देवहानी होते हैं कि देवहान के आधार पर उनको शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म शरीर मिलता है जिसमें ज्यादा ताकत है। क्या स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत है या सूक्ष्म शरीर में? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत मिलती है उनको, बहुत ताकत मिलती है। आत्म की स्थिति नहीं है तो जो चीज जो शक्ति उनके पास नहीं है वो शक्ति बाबा ने आपको बताई। वो आत्मिक स्थिति में रह के स्टार की याद में रह करके उनके ऊपर स्टार की रोशनी फेंको सीधे,
वो या तो देखेगी ही नहीं और देखेगी तो ऐसी कर लेगी। பூர்வ ஜென்ம நீங்க என்ன கர்மம் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த கர்மத்தினுடைய ஆதாரத்துல அது உங்களுக்கு அப்போ பாபா தேவி வந்து கிடைக்கிற சக்தினால அது ஜெயிச்சிங்க அப்படின்னு. ஆமா சித்தி இருந்தாதான் முதல்ல வந்த ஆத்ம சித்தி இருந்தா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இங்க வராது புரியுதா? सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली परसेंटेज में ज्यादातर आत्मा ऐसी हैं कि जब गुस्से में आती हैं तो शरीर को ही खत्म कर देती है, या तो अपने शरीर को खत्म करेंगी या दूसरे के शरीर को खत्म करेंगी। वो बिल्कुल भूल जाती हैं कि हम भी आत्मा हैं, ये भी आत्मा है, आत्मा कभी मरती ही नहीं। हिंदुओं में ये भाव पक्का रहता है क्या कि हम हिंदू भले जानते नहीं है कि आत्मा का रूप क्या है, लेकिन ये भाव पक्का रहता है हम क्या है, हम आत्मा हैं, हम आत्मा ने 84 चक्र लगा काटे हैं, अनेक जन्म लिए, अनेक जन्म की थ्योरी हिंदुओं में बुद्धि में रहती है क्योंकि वो अपन को आत्मा समझते हैं भले आत्मा का रूप नहीं जानते। दूसरे धर्म वाले आत्मा जानते ही नहीं, हम आत्मा हैं ये उनको पता ही नहीं, मानते ही नहीं, नहीं मानते हैं, इसलिए पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। அதாவது இந்து தர்மத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த சக்தி இருக்கு, மற்ற தர்மத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இது தெரியாது, அவங்களுக்கு தான் இந்த வேலையெல்லாம் காட்டுறது. அதிகமா மதிக்கிறது யாரு மற்ற சக்திகளை? மற்ற தர்மக்காரங்க நம்ம ஆளுங்க அதை மதிக்க மாட்டாங்க. நம்ம பரிஷ்டா வணங்குறோம்மா, தேவதை தானே, சக்தியில நமஸ்காரம். நம்ம பாவாட்ட வந்து கூட இருக்கோம் கிளாஸ் கேட்கலாம், அவங்களுக்கு ஒரு கசல ஏதாவது விசேஷ கே மில்த்தி பாபா சே கே மில்த்தா? பாபா தோ कुछ धन संपत्ति तो लाता नहीं है जो तुमको दे दे, वहां से हीरे जवाहरात तो लाता नहीं जो तुमको दे दे, हैं हाथी घोड़ा तो लाता नहीं जिसमें तुम बैठ के चले जाओ, कार हवाई जहाज लाए सो भी नहीं मिलेगा। बाबा तो वो चीज लाता है जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो तो सत्य है, गॉड इज ट्रूथ है, तो क्या लाएगा? सच्चाई ही लाएगा आपके सामने, तो ज्ञान ही सच्चाई है। लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो लड्डू पेड़ा खाओ जा करके। பாபா கிடைச்சா சக்தி கிடைச்சிருக்கு தெரியல, பாபா வரும்போது எதையும் கொண்டு வந்து எல்லாம் கொடுக்கறது இல்ல, என்ன கிடைச்சிருக்குங்கறத புரிஞ்சிருந்தேன்னா உட்காந்து கேளு, எடுத்துக்கும் போறதான் சாப்பிடலாம், அதை போய் சாப்பிட்டு மூழ்கி போகிறார் பாபா, தேக விமானங்கிறதெல்லாம் மூழ்கிறேங்கிறார் பாபா, கிடைச்சிருக்குங்கிறது உள்ளுக்குள்ள பாருங்க அப்ப தெரியும், ஞானம் மட்டும்தான் கொடுக்கிறார் பாபா, அதை வச்சு நம்ம வந்து பஞ்ச விசாரம் தந்தோம், பஞ்ச விசாரங்கள்ல வந்து கோபத்துக்கும் அகங்காரத்துக்கும் டிஃபரெண்ட்ங்க, கோபங்கள் அகங்காரங்கிறது பஞ்ச விகாரம் வச்சுன்னா உசிமே குரோத் அவர் அகங்கார் தோனோக்கோ தேடா கே ஹை, தோனோ கா தேடா கே ஹை, வோ டிஃபரெண்ட் கே ஹை, தோனோ கா தீக்ஷாபன் கே ஹை, அந்தர் கே ஹை, குரோத் ஆயேகா एकदम रैन बैन कर देगा, क्या अहंकार आएगा हमारे गुस्से में अंदर ही दबा लिया, अहंकार अंदर दबाया जाएगा
एटम बम बनाना शुरू कर देगा। एटम बम बना के रख दिया, आओ लड़ो आके। हम अहंकार में, अहंकार में जल्दी नहीं होती है आक्रमण करने की, तसल्ली से काम करता है। और क्रोधी झटाक से आया, पराग से एक्शन में आ गया। जल्दी का काम शैतान का हो गया। अहं आता है देह से, अहं अहं माने मैं हूँ, मैं क्या हूँ, आत्मा नहीं, ये जो कुछ है वो ही हूँ, उसका भान बहुत ज्यादा है। ஒரு குடும்பத்துல வந்து ஒருத்தர் நாலேஜ் வர்றாரு அப்படின்னா வந்து அந்த குடும்பமே வந்து அட்வான்ஸ் நாலேஜ் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த பரிவாரம் சொல்றது வந்து லௌகீகமா அலௌகீகமா? एक व्यक्ति ज्ञान में आते है, उनका परिवार सभी ज्ञान में आता है, तेरी बाबा का मुरली वाक्य है। वो परिवार अलौकिक परिवार है, लौकिक परिवार जो ज्ञान में आ गया वो तो अलौकिक ही हो गया। अरे ज्ञान में आ गया ना पूरा परिवार, अलौकिक ही तो है वो। आने वाला नहीं, अभी अभी एक भाई उधर से आया, वो ज्ञान में आया, उनका परिवार कोई नहीं आया अब तो। हाँ ठीक है, वो भी लास्ट में आती है ना, वो भी बाद में आएगा, बाद में आएगा। लेकिन इस बात को हम बुद्धि में रखे हैं कि वो आएगा, तो हमें पेशेंस रखनी है, इतना धैर्य धारण करके रखना है कि वो हमारा परिवार सारा आएगा। ये सब हमारा परिवार है, अगर कोई गलती करता है तो हमारे छोटे भाई हैं, भले हमारा बाप और हमारा ग्रैंडफादर ही क्यों ना, लेकिन छोटा बच्चा है। ये भाव रखना चाहिए बुद्धि में, सहन करो। அவங்க வரல, அவங்க ஏதாவது தப்பு பண்றாங்க, நீங்க என்ன பண்ணணும், சகிச்சு தொடரணும். என் தம்பி தானே, அப்படி வேண்டியவங்களா இருக்கும் பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் என்னுடையவர்கள் தானே அப்படின்னு நீங்க சகிச்சு தொடரணும். என்ன உங்களுக்கு ஞானம் கிடைச்சிக்கலாம். இப்ப வந்து நம்ம வந்து அவர் வந்து நம்பிக்கை வைக்க சொல்றாரு வருவாங்கன்னு சொல்லி கண்டிப்பா வருவாங்க அப்படிங்கிறேன். இப்ப வந்து நாளைக்கு வருவாங்க, நம்ம குடும்பத்தை தவிர மத்தவங்க மேலையும் ஒரு கண்டிப்பா வருவாங்கன்னு ஒரு உறுதியான நம்பிக்கை வருதுங்க. அதாவது ஃபேமிலி தவிர மத்த நபர்கள் மேல, அது எல்லாருக்கு மேல கூட ஒரு சிலர் மேல கண்டிப்பா அவங்க இந்த நாலேஜ் வருவாங்கன்னு ஒரு உறுதியான நம்பிக்கை வந்து மனசுக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கு. அது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வர சான்சஸ் இருக்குங்களா? उनका स्नेह और फ्रेंड सभी लोग ज्ञान में आता है, उनका फ्रेंड और रिलेशन सभी वो ज्ञान में आता है, आते हैं, इनका विश्वास है क्या आएंगे, आएंगे। लेकिन आप विश्वास सच्चे है ना? फ्रेंड्स की गारंटी नहीं दी है बाबा ने। बाबा ने कहा तुम्हारे परिवार के जो भांति हैं वो आएंगे। परिवार में, परिवार में बाप और बाप का सारा खून आता है। परिवार में फ्रेंड्स नहीं आते हैं, नल्ला नल्ला
न तो हम विश्वास ये धारण कर लें कि 500 करोड़ स्वर्ग में जाएंगे तो हो जाएगा। ऐसे तो भक्ति मार्ग में भी विश्वास धारण कर लेते हैं। முருங்கையில போய் ஐயப்பன் போயிட்டு எல்லாம் வேண்டி வராங்க, ஆனா அதுபடி அவங்களுக்கு ஒரு சில மாறுதல் ஏற்படுது. அப்ப இந்த மனசு மூலமா ஒரு சில நல்ல எண்ணங்களை நினைச்சிட்டே இருக்கும்போது சித்தி ஆகுதுங்க. जाती है अयप स्वामी का जाती है और संगम का जाती है, वो सबको क्या मिलती है? भावना का भाड़ा नहीं, उन लोगों को कोई प्राप्ति मिलती है ना, वो भी कैसे मिलती है? भावना, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अपनी भावना है तो डॉक्टर की दवाई काम कर जाती है, अपने अंदर भावना नहीं है। होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए, थोड़ी थोड़ी गोलियां दे दी, दो गोलियां डाल दी उसने, क्या है नहीं असर करेगा। उनको विश्वास भगवान मेले विश्वास போயிட்டு வராங்க, அதுக்கு பிராப்தி உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு விசுவாசம் வச்சிருக்காங்க, அவங்க எண்ணங்கள் நல்லதா இருக்க போய் அது உங்களுக்கு கிடைக்குது. बाबा भी कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, विश्वासम फलदायकम। बच्चा है, बच्चे को कहा गया वो तेरा बाप है, बच्चे को कहा गया वो तेरा बाप है, विश्वास ही तो कर लिया इसने, देखा क्या तेरी माँ, तो विश्वास हुआ ना। एक சில டைம்ல வந்து ஸ்ரீமத் புடி கரெக்டா போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண முடிய மாட்டேது, தீய சக்திகள் வந்து கோபப்படாம கோபப்படாம இருந்தாங்க கோபப்படுறோம், அதே மாதிரி சில விஷயங்கள் அலங்காரப்படக்கூடாது அலங்காரப்படுறோம், இதே மாதிரி தூய்மை விஷயத்திலே அப்படிதான், அப்படியே ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் पुरुषार्थ करते करते वो भी उनका स्टेज डाउन होता है, उसी में अहंकार होता है और डिफरेंट डिफरेंट कर्म करती है, इसका कारण क्या है? ये इसका कारण ये है कि इन्होंने पूर्व जन्म लिए हैं कि नहीं लिए हैं, जो भी इन्होंने पूर्व जन्म लिए हैं, अब संगम युग में शूटिंग हो रही है, वो ही रील 63 जन्मों की यहाँ घूमती है, अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो इनका ऑटोमेटिक अच्छा पुरुषार्थ होता है, और खराब कर्मों की रील घूमना शुरू हो गई तो परेशान परेशान कर देती है। நீ என்ன கர்மம் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த கர்மத்தினுடைய கணக்குல தான் உங்களை முன்னு கொண்டு போகிறோம் பின்னு கொண்டு போகிறோம்.
அதிகமா நினைவு பண்ணும்போது பாவங்கள் வந்து குறையுமா? बाबा का याद करने का टाइम पाप से विनाश होती है ना, मैं तो कम होती है ना, नाश होते हैं जब नाश होंगे तो कम होंगे। बिना समय सुना ना कम करनी थी बोधल इतना अमृत ब्रह्म अमृत वेले रू मणिल नाले मुकाल वे रू मणिल नाले मुकाल वे अंत रू टू नाल मुकाल अमृत वेला दो बजे टू पांच बजे तक वो उसमें थोड़ा डिफरेंट होती है ना, वो दो बजे तक तीन बजे वो भी विशेष है और तीन बजे तो चार बजे वो भी विशेष है, विशेष वो भी कोई विशेष होती है ना अमृत वेला में सब समय एक सब समय एक टाइम है लेकिन लाइन में आती है ना, नहीं तो डिफरेंट डिफरेंट होता। संचत्तर कौन सा टाइम कहेंगे? सेवेंटी सिक्स कौन सा बेला है? है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है, बेला कौन सा है? अमृत बेला संचत्तर के बाद है या नहीं है? है लेकिन वहां थोड़े निकलते हैं या बहुत निकलते हैं? थोड़े ऐसे यहाँ भी है जितना बजे के उठते हैं उतना प्राप्ति आती है ना। बाबा वंद नहीं पड़ना बोले देखो देखो जोड़ी अभी नहीं पड़ना प्राप्ति की बात कभी धार्मिक सीरियल देखे होंगे, असुरों की देवताओं की लड़ाई लगती है, राक्षसों की और देवताओं की लड़ाई लगती है, तो राक्षसों को जो हाँ ताज दिया जाता है उस पे मुर्गे का पंख होता है, कोली राक्षसों होता है ना। ऐसे ही चाणक्य सीरियल आता है, तो चाणक्य सीरियल में अलेक्जेंडर जब आता है तो उसकी सेना में सबको वही मुर्गे के पंख दिए गए। ये मुर्गे के पंख कौन से धर्म वालों की निशानी हुई? विधर्मी और विदेशियों की। इनमें क्या खासियत है? ये 12 बजे जग जाते हैं, 12-1 बजे ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में और जग करके बहुतों को जगा देते हैं। दातागण दो चार बार आवाज लगाते हैं और फिर மற்ற தர்மத்தை சேர்ந்தவங்க புஷாத்தம் பண்றா அது பண்றாங்க சொல்லி வந்தவன சர்வீஸ் எல்லாம் வேற வேலை செய்வாங்க, எல்லாரையும் எடுத்து விடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுவாங்க, தம பிரதான ஸ்டேஜ் வரும்போது அவங்க தவறாங்க
இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு சமீப காலமா வந்துங்க ஒரு நைட் டைம் ஒரு 8 மணி சுமாருன்ற போது வந்துங்க அதாவது நம்ம நினைச்சு யாரோ அழுகிற மாதிரி ஒரு ஒரு வைப்ரேஷன் வந்து எனக்கு அட்டாக் பண்ற மாதிரி தெரியுதுங்க அது என்ன காரணமா இருக்கு इनको भी कोई लोग पूछते हैं बुलाते है हाँ। वो भी उड़ाने वाला है हाँ? उसका उड़ने वाला है वो भी आने वाला है 8 बजे भाई को लगता है कुछ 8 बजे हाँ, रात 8 बजे रात को 8 बजे हाँ कोई वो भी उड़ाने वाले है आने वाला उनको याद में कोई आती है वो भी उड़ाने वाला है अच्छा रुलाता है कोई हाँ ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं हाँ हाँ उसका कारण क्या है वो उसका कारण यही है कि जब रात शुरू होती है ना द्वापर की आदि में तो इन्होंने रुलाया है किसी को और रुलाने वाला अभी अब उसको मौका मिल गया वही और रुला रहा है அந்த சமயத்துல ராத்திரி சமயத்துல ஒரு 7:30 அந்த மாதிரி ஒரு சமயத்துல சங்கல்பம் வந்து நம்மளை நினைச்சு யாரும் அழுகிற மாதிரி ஒரு பண்ணி அழகிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு बाबा को याद करने का टाइम बिंदु को याद करना चाहिए नहीं तो शरीर तो मिलने के लिए इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट किसको याद करते हैं बिंदु को किस आकार को किसको निराकार को याद करते हैं साकार को तो स्वर्ग में आते हैं नहीं तो क्या करना है परमात्मा ब्रह्मा बाबा ने किसको याद किया हाँ? किसको याद किया हाँ? निराकार को याद किया फिर अभी शरीर छोड़ने के बाद किसको याद कर रहे हैं सिर्फ निराकार को ही याद करते हैं कि कभी निराकार को कभी निराकार साकार दोनों को याद करते हैं कि कभी साकार को ही याद करते हैं अभी शरीर छूट चुका ना ब्रह्मा होगा तो अभी कभी गुलजार दादी में भी प्रवेश करते हैं कभी एडवांस पार्टी में भी प्रवेश करते हैं शरीर को दो तरह का ज्ञान का संघर्ष चल रहा है अंदर तो जीवन रहते रहते उन्होंने निराकार को याद किया इसलिए उनको अपने जीवन में रहते रहते प्राप्ति नहीं होती है बाप से जो भी प्राप्ति होगी स्वर्ग में वो यहाँ सूक्ष्म शरीर से जितना याद कर लिया साकार को निराकार के साकार कंबाइंड को उतना वहाँ प्राप्ति हो जाती है शरीर सूक्ष्म शरीर तो சாகாரத்தை சேர்த்து நினைக்கிறது இப்பதான் அவருக்கு பிராப்தி அதிகமா கிடைக்குது
आत्मा भी ज्ञान सुनती है ना, वो योग बल से विश्व की बात सही लेती है कि ज्ञान बल से विश्व की बात सही लेती है? कैसे लेती है? योग बल। तो फिर वो याद में रहती है ज्यादा या ज्ञान उसका जो कुछ सुन लिया है वो ज्ञान पहले परिपूर्ण हो जाता है? याद में ज्यादा है, याद में ज्यादा, याद में ज्यादा रहती है। तो कौन सुनता है नाली? कौन पढ़ता है मुरली? ब्रह्मा बाबा मुरली पढ़ते हैं, ब्रह्मा बाबा ही उसका क्लैरिफिकेशन ज्यादा सुनते हैं। शंकर बाबा होता ही नहीं, शंकर बाबा नहीं होता, शंकर को ताऊ बोला है। मंदिर में चढ़ते शिवलिंग को याद करती है हाँ? लेकिन उन लोगों को इतना खुशी मिलते भी नहीं हाँ? उनको भी बहुत खुशी हो गया अभी हाँ? मूर्ति को सामने रखेंगे तो मूर्ति से उतना फायदा थोड़ा ही होगा। अगर वो मूर्ति का चैतन्य सामने आ जाए, एक तो जवाहरलाल की या गांधी जी की मूर्ति सामने आ गई, उससे ज्यादा खुशी मिलेगी या गांधी जी सामने आ जाए ज्यादा खुशी मिलेगी? अभी अटल बिहारी वाजपेयी का चित्र देख लिया और अटल बिहारी वाजपेयी सामने आके बैठ गया, ज्यादा खुशी कब मिलेगी? नशा ज्यादा कब चढ़ेगा? प्रैक्टिकल में सामने जब आ गया तो ज्यादा नशा चढ़ना चाहिए। भाई को इतना बहुत खुशी मिल गया हाँ। ये बाबा का सामने तो बंद करके रखना निकलना जाए आपका सामने पूछना चाहिए। आप चलने के बाद किसके बाद में बोल रहा हूँ है? आपको नजदीक बोलना है अच्छा है। तो वो तो भगत लोग होते हैं ना, तो भगत लोग मालूम क्या करते हैं? भगत लोग जो होते हैं वो घंटड़ी भगवान के मुंह पर जाते சொல்லக்கூடாதுங்கிறேன் அதெல்லாம் பத்தி சரி
பூஜை பண்றதுக்கான வேற எங்க நீங்க இல்லைக்கிறாரு. அப்புறம் பாப் பாபா வாங்கிட்டு உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. எத்தனை புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சு எத்தனை அவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கு. அவ்வளவு நம்மளுக்கு பிராப்தி கிடைக்கும் போது எத்தனை தலைவர்களுக்கு பாராட்டுள்ள அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி விஷயத்த பாபா அப்படின்னு ஒரு பாராட்டத்தான் சொல்றேன். तो आए काय के लिए दौड़ गए. बेंगलूर போயிட்டு வரதுக்குள்ளே ஒரு வழி हो गया. चल.